और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये इन्हीं महान हस्तियों का दिन है। और दोस्तों एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट इस समय दिया जाए, जोरदार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे नीतीश जोरदार जोरदार तालियों की रेफरी साहब के दाहिने हाथ की तरफ से कदम का बलन छेड़ा हवादार पहलवान नीले रंग की जगह में, यह है पवन पहलवान प्रयागपुर। और इन्हीं इस सवाल के जवाब में रेफरी साहब के बाएं हाथ की तरफ से कदलंबा बदन छेड़ा काले रंग की जंगा में अनुप पहलवान अयोध्या हनुमानगढ़ हुई। कुश्ती का समय 10 मिनट कुश्ती अखाड़े के बीच में। आज का जबरदस्त मुकाबला आप लोगों के बीच में चलता हुआ शांति बना करके दंगल का आनंद लें। दोनों पहलवान तेज चले, दांव मारे। दांव मारने वाले का नाम होता है चोट करने वाले का नाम होता है। दांव मारते कोई पहलवान अगर हार जाता तो उसे हारा हुआ नहीं मानते। शाबाश, घोड़े का चढ़ने वाला, पानी का तैरने वाला, कुश्ती का लड़ने वाला कभी डरता नहीं है। और जो डर गया वो समझो मर गया। बहुत अच्छा पहली बार मारने के प्रयास में, लेकिन अंगत कर बड़ा पैर जमा के खड़ा हो गया अयोध्या हनुमानगढ़ का पहलवान। बहुत अच्छे 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 शाबाश, पूरी ताकत खोक दिया लेकिन कोई फैसला नहीं। संघर्ष करो आगे बढ़ो। जिस आदमी ने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया वो कुछ नहीं कर सकता। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे शाबाश शाबाश शाबाश। और कोई फैसला नहीं दोस्तों, बहुत अच्छे हो गई कुश्ती। इस कुश्ती में प्रयागपुर का पहलवान विजयी हुआ भाई बहरा इसका।